बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गूगल प्ले स्टोर की एक ऐप कैड रीडर के बारे में पढ़ेंगे, जिस पे हम अपनी ऑटो कैड ड्राइंग ओपन करेंगे। कैड रीडर एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर ओपन करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल में कैड रीडर एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो ये देखिए मैं आप अपनी एप्लीकेशन को ऑन कर रहा हूँ। हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही है। जैसे ही एप्लीकेशन लोड होगी तो सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल के अंदर मौजूद ड्राइंग्स नज़र आ जाएंगी। तो मैं अपनी सबसे पहली ड्राइंग ओपन कर रहा हूँ, जिसका नाम है रेस्ट हाउस। ये मेरी ऑटोकैड ड्राइंग ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग को स्क्रीन के ऊपर फिंगर इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्राइंग को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी ड्राइंग को जूम इन कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन के टॉप राइट कॉर्नर में मौजूद थ्री लाइंस को प्रेस करेंगे तो हमें सबसे पहला ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का नज़र आएगा, जिसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारी ड्राइंग रोटेट हो जाएगी। दोबारा से फिर हम उसी बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी ड्राइंग रोटेट होकर पहली पोजीशन में आ जाएगी। इसके बाद हम कुछ ड्राइंग टूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलता है। अपनी रिक्वायर्ड जगह को सिलेक्ट करते हुए हम अपनी रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है एलिप्स का। एलिप्स भी सेम उसी तरह किसी भी जगह आप ड्रा कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है पॉली लाइन का। तो ये देखिए मैं ड्राइंग के अंदर किसी भी जगह पर पॉली लाइन ड्रा कर सकता हूँ। पॉली लाइन के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का। आप अपनी रिक्वायर्ड जगह पर कोई भी किसी किस्म का टेक्स्ट लिखकर पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट कमांड लेने के बाद हमें इनपुट कीवर्ड्स की विंडो मिलती है। यहाँ हम अपनी रिक्वायरमेंट का टेक्स्ट इंटर करने के बाद ओके करेंगे तो हमें हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ स्क्रीन पर शो हो जाएगा। हम अपने इस टेक्स्ट को छोटा बड़ा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने इस टेक्स्ट को स्क्रीन में किसी भी जगह लाकर मूव कर सकते हैं। अब हमने अपने इस टेक्स्ट को डिलीट करना है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमें क्रॉस बटन मिल जाएगा। क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम डायमेंशन के टैब में जाकर देखेंगे तो हमें एक्स वाई ऑप्शन मिलेगा। एक्स वाई कमांड को एक्टिव करने के साथ हम अपने कोऑर्डिनेट ड्राइंग के अंदर शो कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी कमांड एक्स वाई एक्टिव कर ली है। तो अब मैं स्क्रीन के अंदर अपनी रिक्वायर्ड जगह पर लाकर पिन करूँगा और उसके बाद साइड पर किसी जगह पर दोबारा से पिन करने से हमें हमारे उस जगह के कोऑर्डिनेट शो हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं दोबारा से फिर अपनी ड्राइंग को थोड़ा सा जूम करके इसके एक कॉर्नर पर जाकर पिन करूँगा। ये देखें पिन का निशान हमें शो हो गया है। इसके बाद आप अपने अपने कोऑर्डिनेट को किसी जगह पर पेस्ट करना है तो दोबारा से वहाँ पिन करेंगे तो हमें हमारे कोऑर्डिनेट शो हो जाएंगे। अब हमने अपने इन कोऑर्डिनेट्स को डिलीट करना है तो इनके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें क्रॉस बटन शो हो जाएगा। क्रॉस बटन पर क्लिक करने से कोऑर्डिनेट डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसके बाद हमारी ड्राइंग में जितनी भी लेयर्स यूज़ हुई हैं वो भी हम यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। लेयर्स के बाद हम अपने ड्राइंग में मौजूद मॉडल और लेआउट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग के बटन में जाकर हम अपने एप्लीकेशन का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं और ड्राइंग कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी ड्राइंग को ब्लैक कलर में किया है। इसके बाद दोबारा से ओरिजिनल कलर पे सेट कर दिया है। यह थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।